वैसे तो आपका किचन में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपके पास अगर ये सब प्रोडक्ट्स हो तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा और आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेफ्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ जो कि आपको अंडर 500 रुपीज में मिलती है, और अगर ये प्रोडक्ट्स आपके किचन में हो तो आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाए, और सेकंड नंबर पे आपका काम काफी ज्यादा जल्दी हो जाए। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको नॉर्मली किचन में इन सब प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, और मे बी आपके पास ही प्रोडक्ट्स ना हो और आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में ना पता हो, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सब प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। और अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, अगर बाय करना चाहते हो तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एक ऑटोमेटिकली एड क्लीनर, और ये क्लीनर कोई आम क्लीनर नहीं है, इसको आप ब्रश भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती है, और ये स्पेशली यूज होता है बर्तन वगैरह धोने के लिए, किसी भी चीज को साफ करने के लिए। और ये सिर्फ बर्तन वगैरह धोने के लिए नहीं यूज होता, आप इससे किसी भी यानी कि बेसन को भी साफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इससे काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रश मिल जाता है जो कि कह सकते हैं कि हार्ड मटेरियल होता है ना, जैसे कि बर्तन जल जाता है, तो वहां पर ये काफी ज्यादा हार्ड ब्रश है जो कि काफी ज्यादा आपको फायदा देगा। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपको एक स्पंज मिल जाता है। आपके जहन में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए कि स्पंज खराब हो जाएगा तो उसके बाद क्या, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि स्पंज को आप अलग भी कर सकते हैं और आप नया स्पंज भी लगा सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर लिक्विड डालने की भी ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ से आपने जस्ट इसको हटाना है और यहाँ से आप लिक्विड डाल सकते हैं। ये आपको एक पुशर मिल जाता है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक ग्रिप मिल जाती है, और ये काफी ज्यादा ना हैंडी है और काफी ज्यादा अच्छी इसकी ग्रिप है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। और इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये आपको अंडर 500 रुपीज में देखने को मिलता है, यानी कि 499 रुपीज इसकी प्राइस है। और गाइस सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो भी इसी से काफी ज्यादा सिमिलर है। अब नॉर्मली आपने नलकों में देखा होगा कि आप जब नलका ओपन करते हैं तो एक ही फॉर्म में पानी आ रहा होता है, यानी कि पानी फैल कर नहीं आ रहा होता, तो ये प्रोडक्ट उन चीजों के लिए बनाई गई है कि यहाँ से आपको ग्रिप मिल जाती है। एक्चुअल में ये रबड़ है, दूसरे प्रोडक्ट भी इसके सिमिलर आती है, बट उनके अंदर आपको क्लंप लगाना होता है। इसके अंदर आपको उस तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट प्रेस करना है और ये जो रबड़ है इधर से पानी बाहर नहीं निकलेगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज। और इसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका जो नाम है वो है मिनी फैन शावर। अब ये नाम इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर आपको छोटा सा फैन मिल जाता है, और उस फैन का फायदा ये है कि जब पानी आता है तो वो घूमता है और पानी चारों तरफ फैल के आता है, और यहाँ से आपको एक शावर वाली फॉर्म में पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपने बर्तन वगैरह धोने हो या फिर उसके रिलेटेड कोई काम करना हो तो ये प्रोडक्ट उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाती है 299 रुपीज में। अब थर्ड नंबर पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है एक फ्रूट चॉपर, और नॉर्मली इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका जो है यूज है वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको 3-in-1 चॉपिंग की ऑप्शन मिल जाती है। नंबर वन पे अगर आपने फ्राइज वगैरह कट करने हो तो यहाँ पर आपको एक फ्राइज की ऑप्शन मिल जाती है जो कि बड़े साइज में, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपको छोटे साइज में भी फ्राइज कट करने की ऑप्शन मिल जाती है। और इसके जो ब्लेड्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा शार्प है। आप नाइसर डाइसर को इसके साथ कंपेयर करो ना, तो नाइसर डाइसर में आपको पहले तो वो धोना होता है, उसके बाद निकालना होता है, इतनी बड़ी प्रोडक्ट आपको निकालनी होती है, फिर उसको सारा कुछ अलग करके उसको बाद यूज करने के बाद आपको उसको धोना पड़ता है, तो वो ना काफी ज्यादा एक मुश्किल काम हो जाता है। बट इसके अंदर आपने जस्ट इसके साथ जो भी चॉप करना है, प्याज करनी है, आलू करना है, उसके साथ बस अटैच कर देना है और जस्ट इसको इस तरीके से पुश कर देना है, और ये विद इन अ सेकंड्स आपका जो है वो चॉपिंग कर देगा। और सेकंड नंबर पे इसको आपको धोने का भी कोई मसला नहीं होगा, आपने जस्ट इसको यूज करके पानी के नीचे रख के इसको इजिली साफ कर लेना है। और जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसके अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाती है फ्रूट कटर की। अक्सर आपने सेब वगैरह काटने होते हैं, 5-6 पीसेस काटने होते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 पीसेस करने की ऑप्शन मिल जाती है। और सेकंड नंबर पे आप जो राउंड शेप देख रहे होंगे ये वो दरमियान वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है ना एप्पल का, वो सारा कुछ इसके अंदर निकल जाता है और ये विद इन अ सेकंड्स आपका जो है वो चॉप कर देता है। और इसकी जो प्राइस है ये आता है तकरीबन 699 के करीब। सेकंड नंबर पे इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, और मुझे नहीं लगता कि आप इसको लॉन्ग टर्म भी यूज करने के लिए बाय करेंगे तो आपको इसके अंदर कोई मसला आएगा। और गाइस फोर्थ नंबर पे जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, और ये आपके डेली यूज में आती है, और ये जो प्रोडक्ट है ना इसके रिलेटेड आपको काफी ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। बट मैंने इस प्रोडक्ट को इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफी छोटा साइज मिल जाता है, हैंडी है, और उसके अलावा जो इसके ब्लेड्स है ना, इसको चूज करने की रीजन ये है कि इसके ब्लेड्स शार्प हैं, और इसके अंदर जो कर्वनेस मिलती है ना वो दूसरे कटर्स में नहीं मिलती। इसमें एक नाइफ शेप में भी आता है, और सेकंड नंबर पे इसमें एक टोके वाली शेप में भी आता है, तो उनकी प्राइसेस भी ज्यादा है। बट इसकी जो प्राइस थी वो
काफी कम थी और इसके अंदर आपको जो है वो ब्लेड शार्प मिल रहे थे और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कर्वनेस ज्यादा देखने को मिल रही थी जबकि अदर में आपको देखने को नहीं मिलती। तो यही वजह है कि मैंने इस मिनी वेवी कटर को सिलेक्ट किया और ये हैंड हेल्ड भी है, काफी ज्यादा ईजी टू यूज है। और इसकी जो ऊपर वाली प्लास्टिक क्वालिटी है ये उतरने नहीं वाला, अक्सर होता है कि वो उतर जाते हैं, बट ये जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड प्लास्टिक का बना हुआ, ऊपर जो है स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, जिस वजह से काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। और इसकी जो प्राइस है ये आपको मिल जाता है 299 रुपीज में, और नॉर्मल वेवी कटर से वो भी आपको अराउंड अबाउट इतने के ही मिलते हैं, बट उसके अंदर प्रॉपर वेवी शेप नहीं मिलती, जिस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। और गाइस वीक नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो है एक 3-in-1 पीलर, और ये 3-in-1 पीलर आपको एक पूरा नाइफ की शेप में मिल जाता है। अगर तो आप छुरी ज्यादा यूज करते हो, ऑब्वियसली छुरी ज्यादा ही यूज करते होंगे, तो ये पीलर आपके हाथ पे काफी ज्यादा आराम से चढ़ जाएगा जैसे ही आप इसको टाइम टू टाइम यूज करना शुरू होंगे। और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो है इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको टेढ़ा करने की भी कोशिश की थी बट ये टेढ़ा नहीं होता। और उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ी सी हार्डनेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप इसको घुमा भी सकते हैं, जिस कटर में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वेवी की ऑप्शन मिल जाती है, नॉर्मल पीलर मिल जाता है, और उसके अलावा आपको इसके अंदर शिप्स कटर की ऑप्शन मिल जाती है। नॉर्मली जो पीलर्स होते हैं वो इस शेप में आते हैं, ये भी इजी टू यूज होते हैं, बट अगर आप जो है वो नाइफ की शेप में यूज करना चाहते हैं जो कि आपके हाथों पे आसानी से चढ़ जाए, देन आप इस प्रोडक्ट की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैंड हेल्ड हो जाता है और काफी ज्यादा इजी टू यूज हो जाता है। और इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये आपको 299 रुपीज में देखने को मिलता है, और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये उसको वर्थ भी करता है। और गाइस सिक्स्थ और लास्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट बची है वो है एक वेजिटेबल चोपर, और ये वेजिटेबल चोपर काफी हद तक 3-in-1 चोपर से सिमिलर है, बट इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाता है, दैट्स व्हाई कि मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। और वो फीचर है कि इसके अंदर आपको एक प्रॉपर स्टैंड मिल जाता है। अब अक्सर जो होता है वो आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो होता है कि थोड़ा सा इधर को निकल जाए या फिर थोड़ा सा इधर को हो जाए, तो जिस वजह से प्रॉपर एक शेप में वेजिटेबल कट नहीं होती या फिर एक फ्रूट कट नहीं होता, बट इसके अंदर आपको एक स्टैंड मिलता है जिससे जब आप इसके अंदर कोई भी आलू वगैरह या टमाटर प्याज वगैरह कट करेंगे तो देन एक श्योरिटी हो जाती है कि आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में कट कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस स्टैंड। और सेकंड नंबर पे इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, और फ्लेक्सिबल नहीं है बट जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, और आप बेफिक्र होकर इसको लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। अदरवाइज ये प्रोडक्ट है ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, और आपकी चॉइस है कि आप किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं। और इसकी जो प्राइस है ये भी 699 रुपीज में आपको मिल जाता है, और बाय द वे यहाँ पर आपको नीचे प्रॉपर ग्रिप्स दी गई हैं और इसको आप अलग भी कर सकते हैं, तो धोने में जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काफी ज्यादा मजेदार चीज हो जाती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की हमारी प्रोडक्ट्स की कलेक्शन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियोज और चाहिए, मैं जरूर इस तरह की मजीद वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कुछ सजेशन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।